अपनी कथा संगम की बुक निकालिए, लेसन नंबर 14 खोलिए, शहद का छत्ता। दो भालू थे, दोनों शहद खाने जंगल में निकले। दोनों ने बरगद के पेड़ पर बना छत्ता तोड़ा, उसे लेकर एक झाड़ी की ओट में बैठ गए। बेटा इसमें क्या है, दो भालू होते हैं, भालू को शहद बहुत अच्छा लगता है ना, तो वो शहद खाने के लिए कहाँ गए, जंगल में। तो उन्होंने देखा कि ये बरगद का पेड़ है, इस पर छत्ता बना हुआ है, मधुमक्खी बनाती है ना शहद का छत्ता, तो वो बना हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, उस पेड़ से वो शहद का छत्ता तोड़ लिया और उसे लेकर भाग गए, और कहाँ बैठ गए, झाड़ी की ओट में, मीन्स झाड़ी के पीछे। एक भालू बोला, मैं बड़ा हूँ, पहले शहद मैं खा लूँ, तुम छोटे हो, तुम मेरे बाद खाना। तो जो दो भालू में से एक भालू बोला कि मैं बड़ा हूँ इसलिए पहले मैं खाऊंगा, तुम छोटे हो तो तुम मेरे बाद खाना। दूसरा भालू नाक सिकोड़ कर बोला, वाह जी वाह, मैं बाद में क्यों खाऊं, हम दोनों ने साथ साथ छत्ता तलाशा, दोनों ने साथ साथ मिलकर उसे तोड़ा, शायद भी हम दोनों साथ ही साथ खाएंगे। जब वो भालू कहता है मैं बड़ा हूँ, मैं पहले खाऊंगा, मेरे बाद तुम खाना, तो वो छोटा वाला भालू क्या कहता है कि तुम ही क्यों खाओगे, हम दोनों ने बराबर मेहनत की इसे तोड़ने में, एक साथ हमने बराबर तलाश किया है, एक साथ मिलकर तोड़ा है, तो हम दोनों एक साथ ही इसे खाएंगे। कैसे खाएंगे, पहला भालू तमक कर बोला, तू अधिक खा गया तो एकदम से जो बड़ा वाला भालू था उसको अच्छा नहीं लगा ये, और वो एकदम से गुस्से में बोलता है कैसे खाएंगे हम एक साथ, अगर एक साथ खाने बैठे और तू ज़्यादा खा गया तो, तू खा गया तो। दूसरे ने आंखें तरेर कर बोला, तो छोटा वाला भालू कहता है कि तू भी तो खा सकता है ना ज़्यादा, अगर तूने ज़्यादा खा लिया तब। बस दोनों में तू तू मैं होने लगी, तो इस बात पे दोनों में लड़ाई होने लगी, तू तू मैं मतलब लड़ाई होने लगी, बहस होने लगी। तभी तीसरा भालू वहाँ आया, बोला तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं तभी एक और भालू वहाँ पर आ जाता है, तो वो पूछता है उनसे कि तुम लड़ क्यों रहे हो। दोनों भालू ने तीसरे भालू को सारी बात बताई, उससे फैसला करने को कहा, तो दोनों भालुओं ने उसे सारी बात बता दी थी और उसको बोला कि अब तुम ही फैसला करो कि कौन पहले खाएगा। शहद भरे छत्ते को देखकर तीसरे भालू की लार टपकने लगी, सोचने लगा किसी तरह इस छत्ते को हथियाना चाहिए। तो जब उस वाले भालू को भी बहुत अच्छा लगता है शहद, तो है ना, तो उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये छत्ता मुझे मिल जाए और मैं खा लूं सारा शहद। फिर कुछ सोचकर दोनों भालुओं से बोला, ठीक है तुम दोनों कहते हो तो मैं फैसला कर देता हूँ। ऐसा करो, तुम दोनों नदी पर जाओ, उसमें एक एक डुबकी लगा कर आओ, जो पहले आएगा शहद भी पहले वही खाएगा। तो उसे जो तीसरा भालू आया था उसे एक आइडिया मिल गया सारा शहद खाने का। तो वो क्या कहता है उन भालुओं से, ठीक है अगर तुम चाहते हो कि मैं फैसला करूँ तो मैं कर देता हूँ, इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम दोनों नदी पर एक साथ जाओगे और उसमें एक डुबकी लगा कर आओगे, जो पहले आ जाएगा डुबकी लगा कर वही पहले शहद खाएगा। दोनों भालू नदी में डुबकी लगाने भागे, छत्ता वहीं झाड़ी के पास रख दिया। वापस आए तो ना वहाँ छत्ता था और ना ही तीसरा भालू, दोनों से ढूंढने लगे, पुकारने लगे। जब वो डुबकी लगा कर आए तो वहाँ आकर क्या देखते हैं, ना तो वो तीसरा वाला भालू था ना ही छत्ता था। वो तीसरे वाले भालू ने तो वो प्लान बनाया था ना पूरा छत्ता लेने के लिए, तो जैसे वो डुबकी लगाने के लिए गए तो वो वहाँ से छत्ता लेकर भाग गया। झाड़ी में बैठी एक चिड़िया यह सब कुछ देख सुन रही थी, वह बोली, अरे जिसे खोज रहे हो वह तो छत्ता लेकर कब का भाग गया, तुम आपस में लड़ते रहे, तुम्हें तो कुछ नहीं मिला पर उसके मजे आ गए। तो ये सारा सीन जो हो रहा था, वहाँ पेड़ पर एक बैठी चिड़िया वो सब कुछ देख रही थी, जब वो उसे तीसरे वाले भालू को ढूंढ रहे थे, बुला रहे थे, तब वो चिड़िया बोली कि किसे बुला रहे हो, वो वाला भालू तो छत्ता लेकर भाग गया, तुम दोनों लड़ते ही रह गए और उस वाले भालू के मजे आ गए। तो हमें कभी भी लड़ना नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ होती है उसे मिल बांट कर खानी चाहिए। नाउ रीड योरसेल्फ।